सरकार। देखिए फतेह बहादुर बार बार टारगेट होकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं और इनके मुखिया तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके मुखिया तेजस्वी यादव के द्वारा ही फतेह बहादुर जी को बार बार बोला जा रहा है और फतेह बहादुर जी बार बार हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपमान करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। नव वर्ष के पहले ही दिन आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के द्वारा लालू राबड़ी आवास के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर पर एक ओर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आमंत्रण देते नजर आए तो वहीं दूसरी ओर मंदिर और विद्यालय के तुलनात्मक संदर्भ देते हुए मंदिर की आलोचना करते नजर आए। आपको बता दें कि आज जो खबर सामने आ रही है वो यह है कि हिंदू भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह के द्वारा नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी फतेह बहादुर का जीव काटकर मेरे सामने आएगा मैं उसको अपने निधि कोष से 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लव कुमार सिंह, पहले आप वो सुने। पोस्टर का देखिए फतेह बहादुर बार बार टारगेट होकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं और इनके मुखिया तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके मुखिया तेजस्वी यादव के द्वारा ही फतेह बहादुर जी को बार बार बोला जा रहा है और फतेह बहादुर जी बार बार हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपमान करने का काम कर रहे हैं। हिंदू श्री भवानी सेना फतेह बहादुर जी को जो जीव काट कर लाकर लाएगा उसे हिंदू श्री भवानी सेना 10 लाख रुपया इनाम स्वरूप और अभिनंदन करेगी। फतेह बहादुर जी के मुंह में बवासीर हो गया है इसलिए बार बार हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर अनाप शनाप बोलते हैं। इस व्यक्ति का इलाज की आवश्यकता है और इस व्यक्ति का DNA जांच होना चाहिए कि यह व्यक्ति हिंदू है भी या नहीं, या इस व्यक्ति को कौन विदेशी षड्यंत्र के द्वारा इस व्यक्ति को एक मोटा पैसा आ रहा है और विदेशी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं फतेह बहादुर। अपना परिचय दे दीजिए। लव कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आए लव कुमार सिंह, और उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए खुली चुनौती दे दी और उन्होंने कहा कि जो भी इंसान मेरे सामने फतेह बहादुर का जीव काट कर मेरे सामने आएगा मैं उसको अपने निधि कोष से 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और उन्होंने इसकी सोशल मीडिया पर भी खूब जोर शोर से इसकी पोस्टर लगाई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी इस तरीके से मेरे सामने आएगा फतेह बहादुर को साथ भी अगर सामने लेकर आएगा तो मैं उसको अपने ही निधि कोष से 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।